वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय पोषण माह के संबंध में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। गोरखपुर के एनआईसी हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, बीएसए बीएन सिंह, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय पोषण माह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसका उद्देश्य राष्ट्र को समृद्ध बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री का बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या के समाधान पर विशेष फोकस है। महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम संचालित किया गया। समर्थ और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए पोषण आवश्यक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन करके उन्हें समय से पोषण संबंधी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। बच्चों के साथ कुपोषित माँ को भी चिन्हित कर योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। कुपोषित परिवारों के बेरोजगार लोगों को राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाए तथा कार्यक्रम के संचालन के लिए अंतरविभागीय समन्वयन बनाकर कार्य किया जाए। पोषण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समुचित निगरानी जरूरी है, जिसके तहत जनपद स्तर पर साप्ताहिक, मंडल स्तर पर पाक्षिक, विभागीय व मुख्य सचिव स्तर पर मासिक समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 के समय में पोषण कार्यक्रमों की समुचित निगरानी डिजिटल माध्यम से की जाए तथा पोषण के स्तर को बेहतर करने के लिए कुपोषित परिवारों जिनके पास गाय रखने का स्थान उपलब्ध तथा गौ पालन के इच्छुक हो उन्हें निराश्रित गौ वंश आश्रय स्थलों से गाय उपलब्ध कराई जाए। ऐसे परिवारों को किचन गार्डन विकसित करने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया जाए तथा गाय के भरण पोषण के लिए प्रति गाय प्रतिमाह 900 रुपये भी प्रदान किए जाए। जिसमें 0 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चे जो लगभग 2.5 करोड़ राज्य में है उन पे फोकस करके इस पोषण माह का अभियान संचालित किया जाए। पोषण माह का परिकल्पना सर जन आंदोलन के रूप में किया गया है और उनको प्रोत्साहित करते हुए श्रोताओं को पूर्ण जागरूकता के साथ साथ परिवार और माताओं की सामाजिकता और आत्मनिर्भरता पे फोकस करेगा। हाल ही जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में नेशन और न्यूट्रिशन पर उल्लेख किया और पोषण माह के संबंध में ये आग्रह किया है कि इस जन आंदोलन में शिक्षा संस्थाओं के साथ साथ बच्चों के साथ साथ पंचायत विभाग सभी को जोड़ते हुए एक जन अभियान का किया है। एक तो अधिक कुपोषित बच्चों का चिन्हीकरण और दूसरा न्यूट्री गार्डन्स पोषण वाटिकाएं पंचायत स्तर पर और पारिवारिक प्रति परिवार के स्तर पर उसको स्थापित करना उनका प्रबंधन भी हो मुख्य लक्ष्य रखने की और इस मामले का प्रयास किया। तो हम उनकी अध्यक्ष स्तर में बना किया था और उसके बाद से भाग लेना है मुझे भी कमजोर होगा उसने कोई भी हमला कर देगा या शेर पे कोई हमला करता है क्या उसका सैंपल लेंगे।
डिस्पोजल का कुछ और सभी लाभार्थियों का अभिनंदन करता हूँ जो लोग